आज हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। इस लॉ के हिसाब से एक कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट वोल्टेज से डायरेक्टली और रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से तीन फार्मूला बनते हैं। पहला I = V/R, दूसरा V = IR और तीसरा R = V/R। तो आज हम इन फार्मूला को यूज करके एक्चुअल सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे। इमेजिन कीजिए मेरे पास एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 9 वोल्ट, मेरे पास एक LED है जिसकी रेटिंग है 2 वोल्ट और 20 mA। सो बैटरी वोल्टेज है 9 वोल्ट, LED रिक्वायर्ड वोल्टेज है 2 वोल्ट। अगर मैं डिफरेंस काउंट करूंगा तो हो जाएगा 9 - 2 7 वोल्ट। मेरे LED की करंट रेटिंग है 20 mA जो कि होती है 0.02 A। सो R = V/I, सो मेरा R हो जाएगा V 7 और I 0.02। अगर मैं 7 को 0.02 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मिलेगी 350, तो मेरा R हो जाएगा 350 ohms। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।